हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, जो कि आप लाइफ में हर जगह इसकी उम्मीद के साथ देखते हो कि इसका हमें काम लगेगा और आपको काम भी लगता है। चाहे वो आप परीक्षा देते हो तो कोई मार्क्स पाते हो तो आपको अपने रिश्तेदारों में दोस्तों में बताना पड़ता है कि कितना परसेंट मार्क्स मिला है ना, तो ये भी बताना पड़ता है। कोई एग्ज़ाम होता है उसमें स्टूडेंट बैठते हैं तो ये भी देखा जाता है कितने प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा दिया, कितने ने नहीं दिया वगैरह वगैरह काम लगता रहता है ना। जैसे आपने सुना होगा, कहा जाता है कि भारतीय रेलवे ने अपना किराया 10% बढ़ा दिया। अब प्रतिशत आपको कुछ पता ही नहीं, आम घास क्या होता है, तो आप कैसे जानोगे कितना प्रतिशत बढ़ा दिया। मान लेते हैं अभी आपने देखा हाल ही में यूपी बस परिवहन जो है, उत्तर प्रदेश पर्यटन वाले, यानी कि उत्तर प्रदेश परिवहन की बात करें, पर्यटन छोड़ दो अलग है, तो इन्होंने भी 10% लगभग किराया बढ़ाया था बस का किराया। तो इसका मतलब क्या आप जानते हो, अगर आप 100 किलोमीटर की दूरी का 100 रुपये दे रहे हो या फिर कितनी भी दूरी हो, मान लो 1000 किलोमीटर है, 100 रुपये किराया दे रहे थे, तो अगर 10% बढ़ गया तो कितना बढ़ा, कितना रुपया बढ़ा, अब ये बताओ। जहां पहले 100 देते थे, अगर 10% बढ़ा तो फिर आप कितना रुपया दोगे। अब ये आप तभी बता पाओगे जब आप प्रतिशत जानते हो, तब नहीं तो नहीं बता पाओगे। तो इस मैथमेटिक्स को पढ़ने का ये उद्देश्य नहीं कि आप नौकरी पा जाओ बस, इसका पढ़ने का ये मतलब है कि आप अपनी दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग कर सकते हो, मतलब अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हो पढ़े लिखे की तरह, है ना। चलिए बात करते हैं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत जो ये शब्द आप बोल रहे हो अपने मुँह से, परसेंट, ये परसेंट इंग्लिश वाला, ये शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द जिसका नाम है परसेंटम, परसेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रति एक सौ, प्रति एक सौ। इसको ऐसे चिन्ह से डिनोट करते हैं, एक तिरछी लाइन ऊपर दूठी आँख बना देते हैं, बस इसी को क्या कहते हैं, प्रतिशत का चिन्ह बोलते हैं। प्रदर्शित किया जाता है जिसका अर्थ है सौवा, सौवा का मतलब जानते हो, एक प्रतिशत का अर्थ है कि 100 में से 1। आप यहाँ से भी देख लो, आप छोटा मोटा जानकारी समझ लो। जैसे कि मैंने अगर आपसे कहा कि मान लो इस समय टमाटर 100 रुपया किलो है, कोई नई बात नहीं, अभी हुआ भी था, है ना, कितना रुपया किलो है, 100 रुपया। अब ये टमाटर मैं काहे बता रहा हूँ, क्योंकि इसका नाम सब कोई सुने होंगे, कुछ नया चीज़ बताऊँ तो हो सकता आप नाम ही ना सुने हो, है ना। तो भैया 100 रुपया किलो है। अब आपसे ये कहा गया, न्यूज़पेपर में निकला कि अब टमाटर का मूल्य 5% बढ़ गया। बच्चा कितना बढ़ गया, 5%, क्योंकि चारों तरफ मारा मारी है, किसान खेती छोड़ छोड़ मजदूरी करने फैक्ट्रियों में भाग रहा है, क्योंकि किसानों के सारे ऑफर सिर्फ टीवी पे आ रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, उसके खेत तक नहीं पहुँच रहे हैं, हो भी रहा वर्तमान में यही हाल है ना। तो 5% टमाटर का मूल्य बढ़ गया। अब ये बताओ 1 किलो टमाटर के लिए अब आप कितना रुपया पेमेंट करोगे, कितना रुपए करोगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका प्रतिशत 100 पे निकल रहा है तो जितना प्रतिशत होगा उसका मतलब उतना रुपया होगा, यानी 5% बढ़ा मतलब 1 किलो लोगे तो 5 रुपया और देना पड़ेगा, तो 105 रुपया लगेगा। समझ गए ना, समझ गए। और खुदा ना खास्ता आज के 4 साल बाद बात करेंगे ना, तो ये टमाटर का मूल्य बच्चा 5% नहीं है, 25% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 25% बढ़ जाएगा। तब ये बताओ आप, आज के 4-5 साल बाद आप 1 किलो टमाटर का मूल्य फिर कितना रुपया पेमेंट करोगे, बोलो किसको पेमेंट करोगे। ये किसान को नहीं करोगे, बिचौलियों को करोगे, दलालों को करोगे, क्योंकि किसान तो अपनी कीमत पाता ही नहीं, वो तो जाके मंडियों में बेचाता है ना। कितना करोगे, तो मैंने बताया ना कि अगर 100 पे निकाल रहे हो तो जितना परसेंट है उतना ही उसका मान है, यानी 25 रुपये आप और ज़्यादा पेमेंट करोगे तो 125 रुपये हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ रहे हो कि नहीं, समझने की कोशिश करो, आप लोगों को भी समझना चाहिए, है ना। हाँ, ये तो 100 पे हो गया, लेकिन अगर यहीं पर बात कुछ और होती, यहीं पे बात हम कुछ और करें, वो क्या है कि जैसे मान लेते हैं हम कौन सा ऐसा चीज़ माने, कौन सी ऐसी चीज़ माने जो कि महंगा हो, चलो मान लो, चलो हमने मान लिया मिठाई, चलो मान लिया, ठीक है, मिठाई। अब बच्चा लोग आप ये ध्यान से देखो, मिठाई की मतलब पानी नहीं आना चाहिए मुंह में, बस सुनो, बस केवल यहाँ खिलाई नहीं जाएगी, खाने को नहीं मिलेगी। मिठाई क्या है, 200 रुपये किलो है। अब मान लो ये कुछ भी है, छेना, बर्फी, लड्डू, कुछ भी है, 200 रुपये किलो है। आपको पता है कि सेठ लोग अपने आप से जब मर्जी बढ़ा लेते हैं, है ना, इसमें जो कुछ होंगे अगर कोई तो नाराज़ मत होना,
मतलब समझना। अब मान लेते हैं कि वही 5 ही% बढ़ता है। अब मिठाई मान लो लड्डू है, चलो इसका मूल्य 5% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5%। तो ये बताओ, अब जो 200 रुपये पहले आप पेमेंट करके ख़रीदते थे, कितना रुपए करोगे? सोचो, पहले 200 रुपये आप पेमेंट करते थे, आपको 1 किलो लड्डू मिल जाता था 200 रुपये में। अब बताओ कितना रुपए पेमेंट करोगे? यहाँ हकीकत पर मत जाना, केवल क्वेश्चन पे आना। ये नहीं कहो कि भैया लड्डू तो इतने में होता ही नहीं, मैं नहीं बताऊँगा, मतलब कुछ भी हो, कितना करोगे सोचो। हमने आपको बताया था कि अगर 100% निकालते हैं तो जितना प्रतिशत होता है उसका मान उतना ही रुपया में रियल में भी आ जाता है। जैसे टमाटर वाला देखा था, 100 का 5% 5 रुपये ही हो गया था, लेकिन यहाँ 200 है, तो 200 है तो क्या होगा? आप जानते हो सभी कि 200 को आप 100+100 लिख सकते हो। इतना दिमाग भगवान ने सबको दिया है, हाँ, किसी ने रखा है, किसी ने फेंक दिया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर 100 पे 5 रुपये बढ़ा है ना, इस पर भी 5 बढ़ा, इस पर भी 5 बढ़ा, यानी कुल मिला करके 200 पे कितना रुपये बढ़ा? 10 रुपया बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 10 रुपये बढ़ा है। तो जो लड्डू आप पहले 200 रुपये में लेते थे, तो डियर बच्चा लोग, आप फिर 210 रुपया दोगे। कितना दोगे? 210 रुपये। आज पश्चिम बंगाल, कौन सा भैया था, नहीं कोलकाता है ना, पश्चिम बंगाल और कोलकाता आप लोग जानते होंगे, संबंधित है ना। वहीं से 24 परगना से एक कॉल आया था, जिनका नाम कुछ अजीब सा था, मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि आज सर मैं कुछ सामान लेने गया था दुकान पे, और वो 300 रुपये किलो दे रहे थे, और मुझे 200 ग्राम लेना था, मैंने लिया। उसके बाद मैं हिसाब ही नहीं जोड़ पा रहा था, आधे घंटे तक मैं सोचता रहा। दुकान वाले ने पूछा, बताओ कितना रुपया हुआ? उसके बाद उन्होंने भाई को फ़ोन किया, तो वो बताया इतना रुपया हुआ, और वो इतना परेशान हो गए, शर्मा गए, कि वो मैथ सीखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करने लगे। और फिर उन्होंने नंबर पाया और फ़ोन किया, तो मैंने उनको क्लास दिया आपके ये 0 लेवल वाली। उसके बाद अब वो लग गए हैं सीखने में, मतलब मैथ। ये हमारी क्लास का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ के इसकी नौकरी पा जाओ, बस पढ़ाई कर लो। इसका मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी आप शान से ज़िंदगी जी सकते हो पढ़े लिखे की तरह। इतना तो मैथ आनी ही चाहिए। इसके बाद आगे आप देखोगे, चलो शुरू करते हैं। ये अगला पार्ट है, तो इसका अगला पार्ट ज़रूर देखना, ठीक है?